इंदौर में मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की कमान इंदौर के ठाकुर रवि दांगी को सौंपी गई है। कोचिंग एसोसिएशन में 18 से 20 जिलों की कोचिंग संस्थान चलाने वाले पदाधिकारी शामिल किए गए थे, जिसमें एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारियों ने भाग लिया था एवं प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन ने अन्य पदों का गठन किया। प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की इस अवसर पर सभी दांगी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोचिंग संस्थाओं के पदाधिकारियों को जोड़ने, उनके विकास और समस्याओं के निदान में पूरा सहयोग करेंगे एवं यह संगठन एक मजबूत संगठन के रूप में प्रदेश में अपनी पहचान स्थापित करेगा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर दांगी ने अहम चर्चा करते हुए सरकार से मांग की और बताया कि विगत एक वर्ष से बड़ी मंदी की मार झेल रहे कोचिंग संस्थान एवं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने की अनुमति के साथ सरकार द्वारा संस्थानों से लिए जा रहे टैक्स 18% में छूट दी जाए। चलन हुआ करता था वैसा हो, किसी प्रकार की कठिनाई पूर्वक गाइडलाइन हमें ना दी जाए और सरल सरल गाइडलाइन के साथ कोचिंग का संचालन करने दिया जाए, सरकार से हमारी मांग तो मांग पूरी हो। बात वही है कि जब दूसरे देशों में एजुकेशन प्राथमिकता में है, तब हमारे राज्य में शराब की दुकान प्राथमिकता में और एजुकेशन सबसे आखिरी में है। हम जगाने का कार्य कर रहे हैं सरकार को और ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि कोचिंग संस्थाओं के प्रति आप नम्रता पूर्वक बच्चों के भविष्य, उनमें काम करने वाले कर्मचारी, पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं का ध्यान रखते हुए वो रेगुलर संचालन की अनुमति प्रदान करें और उनका संचालन होने दें। ये हम भरोसा दिलाते हैं कि 100% वैक्सीनेशन के साथ, सुरक्षा के साथ, गाइडलाइन के साथ पढ़ाएंगे, किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोपहर न्यूज के लिए इंदौर से जीतू पटेल की रिपोर्ट।